यूट्यूब चैनल पे खुश आमदी की उम्मीद करती हूँ जहाँ में भी खुश होंगे, कैरी से होंगे। तो आज मैं ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो आपकी लाइफ में बदल के रख देंगी और इन सब चीज़ों पर आपने लास्ट में अमल करना है। तो आज मैं आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग टिप्स बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। सबसे पहले ये कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा, अगर आप किसी जॉब में हैं तो आप उसमें रिलैक्सेशन फील नहीं करते तो आप ऐसे जॉब को कैरी मत रखें और उसको छोड़ दें। जो चीज़ आपको डिप्रेशन में मुबतला कर रही है, जिसमें आप सेटिस्फाइड नहीं फील करते और जो आपको ज़हनी दबाव का शिकार है आप उस वजह से, तो अपनी जॉब को बदल लें। या फिर अगर आपको बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही और तो आप उस पर अपनी एनर्जी ना लगाएं, बल्कि ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें और अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाएं। अगर आप किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो रहे तो किसी दूसरी चीज़ में अपनी एनर्जी को लगाएं और न्यू आइडियाज़ को लास्ट में अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो सबसे पहली जो टिप है वो यही है कि अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप कहीं पर जॉब करें वहाँ पर आप ज़हनी तौर पर सुकून का शिकार नहीं है या आप ज़हनी तौर पर उसमें सेटिस्फाइड नहीं है और या आपको उसमें सुकून नहीं मिल रहा, ज़हनी दबाव का शिकार है, तो अपनी जॉब को तब्दील कर लें। दूसरे नंबर पर वॉलंटियरली काम लाजमी करें और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्री में अगर आपको काम करना पड़ता है या इंटर्नशिप की सूरत में आप कहीं पर काम करना पड़ता है तो लाजमी इस चीज़ को अवेल करें। ज़िंदगी में वॉलंटियरली लाजमी काम करें और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं और ज़िंदगी में जहाँ से भी आपको सीखने का मौका मिले तो लाजमी उसको अवेल करें, उस अपॉर्चुनिटी को लाजमी आपने अवेल करना है। और तीसरे नंबर पर आपने ये करना है कि ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में अगर आपके दोस्त अच्छे ना हों तो आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल होती है। तो अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं या आपको अच्छे दोस्त नहीं मिले तो नए दोस्त बनाएं और अपनी ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों को रखें। ज़िंदगी में अगर आपको अच्छे दोस्त नहीं मिले तो आप दोस्तों को चेंज कर लें और अच्छे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात रखें। तो नंबर 4 पर अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी बेमकसद हो जाएगी, बेमायने हो जाएगी। तो लास्ट में ज़िंदगी में गोल सेट करें, जो आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उस पर आप अपनी एनर्जी लगाएं और अपनी लाजमी ज़िंदगी का कोई ना कोई गोल लाजमी रखें कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, क्या बनना चाहते हैं। तो ज़िंदगी में लाजमी अपना गोल सेट करें। और तो 5वें नंबर पर जो आपने ज़िंदगी में करना है वो ये करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में रूटीन को चेंज करना है। एक ही रूटीन में अगर आप चलते रहेंगे तो आपको बोर भी करेगी और आप उसमें उकता भी जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी में अपनी रूटीन को चेंज करें। अगर आप ज़िंदगी बेमज़ा लग रही है और आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी महसूस नहीं हो रही तो अपनी रूटीन को चेंज करें, अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ को रखें। नंबर 6 पर आप अपनी डाइट का लाजमी ख्याल रखेंगे क्योंकि जब आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो आप ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर सकेंगे और ना कुछ गोल अचीव कर सकते हैं, ना कुछ बन सकते हैं। तो आपकी सेहत आपकी कामयाबी की सामने है। तो ज़िंदगी में ये बात लाजमी रखें कि जान है तो जहान है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे तरीके से कामयाबी और आसानी के साथ कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आपकी सेहत ही ख़राब होगी तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सातवें नंबर पर यह है कि खुश रहना सीखें। अगर आप ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते तो आप ज़िंदगी आपकी बेरंग हो सकती है। तो ज़िंदगी में खुश रहना लाजमी सीखें, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। अगर आप किसी मुश्किल का शिकार हैं या आपको किसी किस्म की तकलीफ़ में मुबतला हैं और तो ये बात लाजमी याद रखें कि वो आर्जी तकलीफ़ें होती हैं और आर्जी परेशानियाँ होती हैं, वो सिचुएशन हो। तो हर हालात का मुकाबला करना सीखें और हर हाल में खुश रहना सीखें। जितनी आप अपने सिंपल लाइफ को रखेंगे उतना ही आप ज़्यादा खुश रहेंगे। तो ज़िंदगी को आसान बनाएं और हर हाल में खुश रहना सीखें। 8वें नंबर पर आपने ये करना है कि ज़िंदगी में अगर आप खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो जितना हो सके कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। ये सोशल मीडिया और ये जो आप चीज़ें देखते हैं सोशल मीडिया में जो नेगेटिविटी फैलाती हैं तो वो आपके हैं। तो सोशल मीडिया से दूर रहें और जितना कम हो सके मोबाइल का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना आप मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसमें नेगेटिविटी देखेंगे तो ये आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा कर देगी। नंबर 9 पे आप लोगों ने अपना ख्याल रखना सीखें और अपने खुद रिस्पेक्ट करना सीखें। जब आप अपने आप को खुद इज़्ज़त देंगे तो ही दुनिया वाले आपको इज़्ज़त देंगे। जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप को इज़्ज़त नहीं देंगे तो कोई भी आपको इज़्ज़त नहीं देगा। तो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें और अपनी डिग्निटी, अपने ईगो की हिफाजत करें और अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे तब लोग भी आपसे मोहब्बत करेंगे। जब आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो दुनिया वाले भी आपसे दूर भागेंगे। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर आप अपनी इज़्ज़त करेंगे तो फिर ही आपको दूसरे लोग भी इज़्ज़त करेंगे। तो अपने आप को रिस्पेक्ट देना, अपने आप को खुश रखना और अपने आप का ख्याल रखना मत भूलें। 10वें नंबर पर ज़िंदगी को चेंज करने वाली जो टिप है वो ये है कि नेगेटिव माइंड के लोगों से दूर रहें और पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और पॉजिटिविटी को की तरफ ज़्यादा रुझान अपना रखें और कोशिश करें कि कोई पेट पाल लें। अगर आप कोई जानवर पालेंगे तो वो भी आप, तो अगर आप कुछ लाना चाहते हैं और पॉजिटिविटी का अपने माइंड को रखना चाहते हैं तो पेट पाल लें। कोई आप पेट अगर रखेंगे, चाहे वो कोई भी पेट हो या कोई बर्ड, अगर आप किसी परिंदे पालने का शौक है तो आप परिंदा भी रख सकते हैं। तो अगर आप पेट पालेंगे तो आपको ये आपको ऑटोमेटिकली आपके अंदर पॉजिटिविटी को, रिसर्च में भी आया है कि जिन कोई ना कोई पेट रख रहा है तो उनकी ज़िंदगी में लाजमी चेंजिंग आई है, पॉजिटिविटी आई है और वो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आई है। तो किसी भी किस्म का आप पेट पाल सकते हैं जो भी आपको शौक है। तो ये थी 10 लाइफ चेंजिंग टिप्स। तो उम्मीद करती हूँ आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करेंगे। तो ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।